जय हिंद। नमस्कार साथियों, तो दोस्तों मैं अभी जैसे इन युवाओं के साथ में कुछ बातचीत करने वाला हूं और मैं आपको बता देता हूं कि जो अपनी एआरओ जोधपुर की जो भर्ती होने वाली थी अजमेर के अंदर, उसका फर्स्ट बेंच है वो दौड़ के बाहर आ चुका है। तो इन युवाओं से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूं कि क्या डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं, क्या भर्ती का प्रोसेस रहने वाला है, कितनों का बेंच बन रहा है, कितने लड़के पास हुए, कितना टाइम मिल रहा है, हाइट का क्या प्रोसेस है, ये सारे डाउट आपको इसी वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं इस जवान से बात करना चाहूँगा, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम रघुनाथ घटियाला है, मैं नागौर से हूँ। अच्छा, नागौर से हो कि? अच्छा, तो आपने भर्ती आज मतलब कौन सी कैटेगरी से अटेंड की है? सर मैंने टेक्निकल एंट्री से की थी। टेक्निकल से? जी सर। तो मतलब आप मेरे को ये बताओ कि भर्ती का जो एंट्री प्रोसेस था उसके अंदर आपका क्या क्या हुआ था वहाँ पे? सर एंट्री प्रोसेस में पहले तो दो एडमिट कार्ड मांगे थे। अच्छा। फिर 10th 12th की मार्कशीट। अच्छा। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, पुलिस एंट्री के समय ले रहे थे? एंट्री के समय। अच्छा, थोड़ा सा आगे आ जाओ एक बार, उस तरफ से सर आ रहे हैं, थोड़ा आगे चलते चलते हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहो आगे चलते रहो। तो अभी मेरे को जैसे आप ये बताओ कि मतलब हाइट का जो है वो क्या चल रहा है, युवाओं को थोड़ा सा डाउट है कि हाइट कहाँ पे चेक कर रहे हैं? सर हाइट कोई चेक नहीं कर रहे हैं, बाद में चेक किया जाएगा। अच्छा, रनिंग के बाद में हाइट चेक होती है? रनिंग के बाद हाइट चेक होती है। पहले कोई मतलब हाइट वाला लफड़ा नहीं है? नहीं सर, कोई लफड़ा नहीं हाइट का। और जैसे आपने एंट्री कितने बजे की थी यहाँ पे ग्राउंड में? एंट्री की थी हमने 2:10 पर। अच्छा, 2:10 पे पहला बेंच एंट्री हो गया था? जी सर। और रनिंग के दौरान मतलब आपको कितना टाइम मिला था जैसे एंट्री होने के बाद में? एंट्री होने के बाद 20 मिनट मुश्किल से लगे थे। अच्छा, 20 मिनट के बाद में आपका गो हो गया था? यस सर। अच्छा अच्छा, तो मतलब कितनों का बेंच बना था? सर 100 का बेंच बना था, उसमें 22 क्वालिफाई हुए थे। बहुत बढ़िया है, तब तो रिजल्ट अच्छा है, मतलब 22 लड़के क्वालिफाई हो रहे हैं, इसका मतलब 22-25-30 लड़के हो रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, मतलब टाइम भी अच्छा दे रहे हैं? टाइम भी काफ़ी दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, बाकी मतलब और जैसे युवाओं को आप क्या बताना चाहोगे? यही कि पहला राउंड आराम से निकालो, दूसरे आराम से, तीसरे में थोड़ा जोर लगाओ और चौथा पुल ट्रैक कैसा है, मतलब नंगे पैर दौड़ने लायक है या जैसे जूते पहन के दौड़ना चाहिए बच्चों को? ट्रैक तो जूते पहन के ही दौड़ना सर। थोड़ा पक्का है या मतलब जैसे मिट्टी है बहुत ज़्यादा? अच्छा, मिट्टी वाला, तो मतलब नंगे पैर दौड़ना ठीक रहेगा? ठीक नहीं, मेरे साथ नहीं रहेगा सर, क्योंकि पैर फंसते हैं, पैर अंदर धस जाता है, पैर फंसेगा उसमें। अच्छा अच्छा, बाकी अभी जैसे जो युवा पास हुए हैं उनका भी मतलब आगे का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा? चलता रहेगा अभी। अच्छा अच्छा, बाकी आप मेरे को थोड़ा सा ये बता दीजिए कि मतलब आपका जो वहाँ पे ट्रैक के ऊपर आपको बिठाते हैं वो मतलब एक तो अपनी मर्जी से बैठते हो या फिर मतलब वो अपने हिसाब से बिठाते हैं? वो अपने आप से बिठाएंगे, काउंटिंग वाइज। अच्छा, काउंटिंग वाइज बिठाते हैं, लाइन से बिठाते हैं? लाइन से बिठाते हैं। अच्छा अच्छा, और गो के बाद में कंप्लीट हो जाता है? जी सर। चलो बढ़िया है, तो जैसे ही कोई नई जानकारी मिलेगी हम आपको तुरंत जानकारी देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।